हाय गाइस, कल की क्लास को पहले रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने बनाया था क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में बस मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन टैग क्या होता है, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ाया, और उसके बाद मैंने ये बताया कि बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग जो है प्रश्न पूछा जाता है सेंटेंस को, असर्टिव, ठीक है ना, सेंटेंस को, असर्टिव वाले सेंटेंस को, और असर्टिव, और इम्परेटिव, इम्परेटिव वाले सेंटेंस को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, असर्टिव और इम्परेटिव वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, भर लो ना, असर्टिव और इम्परेटिव वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, असर्टिव और इम्परेटिव वाले, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं चेंज कैसे किया जाता है। जैसे राम इज प्लेइंग गेम, राम इज प्लेइंग गेम, बात नहीं करना है, राम इज प्लेइंग गेम, तो इज लिख, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे रे, हेल्पिंग वर्ब लिखो पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या इज, यहाँ राम के बदले क्या आएगा, ही हो गया क्वेश्चन टैग, लेकिन इधर निगेटिव वर्ड नहीं, इसको निगेटिव कर दो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आरंट यू, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, यू लिख दिए, आरंट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। हो गया आपका क्वेश्चन टैग तैयार, आगे जहां तक हम पढ़ाए थे वो बता दिए, आगे अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। होता क्या है कि सब्जेक्ट जैसे दिस आ गया, तो इसके लिए तो दिस का प्रयोग होता नहीं। एको बात याद रखो बुआ लोग, क्या कि कुछ हाँ तो देखा जाए, अरे ध्यान दीजिएगा, हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे ये बताया। जैसे मान लीजिए किसी लड़का का नाम रहेगा, ओके, किसी लड़का का नाम रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, ही, लड़की का नाम रहेगा तो सी, लेकिन जैसे ही प्लुरल होगा राम श्याम, या फिर राम सीता, या फिर सीताराम, सीताराम कुछ भी हो, उसमें क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग होगा। प्लुरल जैसे होगा क्या होगा जी, दे दे। का प्रयोग, पेन, देखो पेन क्या, पेन नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स सिंगुलर प्रयोग होता है, क्या होता है प्रयोग जी, इट, लेकिन पेन अगर बच्चा सब सोचता है पेन सर दिस ना होगा, पेन में दिस ना होगा, मेरे चटवा ध्यान दो, क्वेश्चन टैग में जो है कौन कौन सी प्रयोग होता है, आई वी यू ही सी इट और दे, ये सात से ज्यादा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में प्रयोग नहीं होता है। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो नजर घुमा के देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में जो भी सब्जेक्ट प्रयोग होगा यही सब होगा, पेन जो है ना लिविंग थिंग के लिए क्या था, इट, टेंस हो गया, जैसे ही प्लुरल होगा, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे वुमेन बींग्स हो, प्लुरल आएगा तो क्या लगेगा, दे, टेंस हुआ दे, काउ माने गाय, गाय में इट लगता है, कोई कोई कहेगा सर जी सी नहीं लगाएंगे, महिला होती है, हाँ गाय महिला होती है, अरे देखो सी नहीं लगता है, सी लड़कियों के लिए लगता है, औरतों के लिए लगता है, स्पेशल बनाया गया है, गाय के लिए इट ही लगता है, अब कहोगे सर जी सी जब काउ लिखेंगे तो गलती है, यस सी द काउ, इसका मतलब हो गया कोई लड़की है जो गाय की गाय तरह है, सीधी है, अच्छी है, सुंदर है, ठीक है ना, ये हुआ इसका मतलब, सी इज अ काउ। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, लायन मतलब क्या होता है, शेर, वह शेर है, मतलब शेर के जैसे वो खतरनाक है, ये गलत नहीं है बुआ, ये सही है, ये मेटाफरिक यूज है, मेटाफरिक यूज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ पूछो, मेटाफरिक यूज क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है लेकिन कंपैरिजन दिखता नहीं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ सी इज लाइक अ काउ तो आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन सी इज अ काउ बहुत ज्यादा लोग गलती कर लेंगे, जैसे ही इज अ लायन गलती लगेगा, लेकिन ही इज लाइक अ लायन बोलेंगे तो कहेगा हाँ सही है सही है। लाइक और एज जो होता है, लाइक और एज जो होता है वह पहचान है सिमिली का, प्रतीक पहचान बोले सिमिली, सिमिली का, ठीक है ना, तो लाइक इस दोनों में लग रहा है सिमिली है, हटा दिए, कंपैरिजन हो रहा है लेकिन कंपैरिजन वर्ड नहीं दिख रहा है, वो मेटाफर, कोई दिक्कत,
ये मेटाफर है, अगर मैं बोल देता हूँ शी इज लाइक अ गर्ल, होएगा हाँ सर सही है, लेकिन ये गलत क्यों? अरे कंपैरिजन वर्ड हट जाता है, फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच में बहुत कुछ होता है, सिमिली मेटाफर एनाफोरा, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइस जिसको कहते हैं, वो सब फिगर ऑफ स्पीच का, दोनों एक ही होता है, फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस, समझ आ रहा ना? तो पोएटिक डिवाइस में होता है रिपीटेशन होता है, आजकल रिपीटेशन पर, रिपीटेशन पर सब गाना होता है, होता है ना रे? यस सर। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, देख रहा yes, आजा वाला कितने बार आजा आजा किया, बहुत बार आजा किया, कहां से कहां आजा। चलिए तो रिपीटेशन पे ही गाना होता है, तो रिपीटेशन का बहुत महत्व है, पॉइंटिंग डिवाइस में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, काव में इट लग जाएगा, काउस प्लुरल होगा तो रे लगेगा, देयर रहता तो वो देयर ही आ, जैसे देयर इज अ वाटर, क्या हो जाएगा, देयर ही आ जाएगा, समझ में। अब देखो दिस दैट द नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, जैसे दिस पेन ना, दिस मोबाइल, दिस हेलीकॉप्टर ना, ऐसा आएगा, हां नॉन लिविंग थिंग्स आएगा तो हीट आएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब कोई कोई कहेगा सर नॉन लिविंग थिंग्स प्लुरल में आएगा तो धैर्य चटवा, दिस और दैट के बाद जो है ना प्लुरल नहीं आता है, दिस दैट के बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा, प्लुरल नाउन आएगा किसके बाद, दीज और दोज के बाद, उसमें तो दे लगता ही है, दिस दैट के बाद ह्यूमन बीइंग्स आ गया, लड़का आया तो ही, लड़की आई तो सी, सी नोबडी एनीबडी, जितना भी बडी वाला होता है उसमें दे आता है, और जितना भी वन वाला आता है उसमें भी दे होता है, उसमें देखिए थिंग वाले में एट इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस में देखो, जैसे मैं बोलूंगा कम हेयर, क्या हो गया कम हेयर, कम, अब कम हेयर जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस, अब इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट कहां से आया यू, और कहां से आया हेल्पिंग वर्ब विल। तो जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कम हेयर, जैसे सपोज करो मुकेश को बोलूंगा कम हेयर, ठीक है ना, मुकेश सामने बैठा हो, सेकेंड पर्सन हुआ, और मुकेश को मैंने बोला कम हेयर, तो कम हेयर जो मैंने बोला उसके जस्ट बाद ही आएगा वो, तो फ्यूचर में जाएगा ना, फ्यूचर में यू के साथ कथी लगता है रे, विल लगता, इसीलिए इसके साथ यू विल आता है। एक चीज और, इंपरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो विल यू वांट यू दोनों आता है, लेकिन निगेटिव रहेगा तो केवल विल यू आता है। ओके अब देखिए लेट के बाद अस आएगा, सेल भी आएगा, क्यों, क्योंकि अस का सब्जेक्टिव केस भी होता है, अभी के साथ विल तो नहीं लगता है, इसलिए सेल आ जाता है। देखिए लेट के बाद भी हिम हर और कोई नाउन आ जाएगा, जैसे लेट राम गो फॉर वॉक, मतलब इसका हिंदी हो गया राम को घूमने के लिए जाने दो, इसमें विल यू आता है, एनीवन एनी नन एनी सम ऑफ या फिर देम सब आता है, इसमें सब्जेक्टिव केस हो जाता है ये। अब मैं आपको सारा का एग्जांपल, ठीक है ना, एक एक करके दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं एक एक करके, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, राम राम लिखिए, राम इज राइटिंग ए लेटर, इसमें राम के लिए क्या आता है, ही आता है, इज का क्या हो जाएगा, इजन ही, कोई दिक्कत नो सर। दूसरा एग्जांपल सी वाला था, देखिए सीता इज प्लेइंग गेम, प्लेइंग गेम, तो इसमें जो है इज क्या हो जाएगा, जान हो जाएगा, सीधा सी होगा, क्लियर है, नेगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोले जान, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद देखिए जैसे राम एंड श्याम वाला, प्लुरल वाला आएगा एज माय फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्या होगा रे, देखो इज है जा, सॉरी गलत हो गया, आर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आरंट दे, आरंट दे। उसके बाद वो कौन सा एग्जांपल, पेन वाला, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वाला, ठीक है, जैसे देखिए द पेन इज, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, ठीक है ना, पेन के लिए क्या आता है, इट ना, हेल्पिंग वर्ब ले आए, इट ले आए, इसको इजंट करना पड़ेगा, यस, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद पेंस, पेंस जैसे द पेंस आर, पेंस आर रेड, इसमें क्या हो जाएगा, आर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरंट दे, कोई दिक्कत नो सर, आरंट दे। उसके बाद वो कौन सा आ रहा है, का वाला, काव वाला, देखो द काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द
इसमें क्या हो जाएगा इजेंट इट सी नहीं ना होगा रे नो सर नहीं होगा समझ में आ रहा है यस सर इट लगा दे ठीक है उसके बाद बोलो कौन सा काउज वाला काउज वाला जैसे लगा द काउज आर ग्रेजिंग इसमें क्या हो जाएगा आरंट काउ आरंट काउ होगा दे होगा समझ में आ गया यस सर चलिए सबका एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा उसमें ठीक है ना यस सर उसको बता देता हूँ और ऑनलाइन वाले को जिनको प्रॉब्लम होगा ठीक है ना वो कमेंट करेंगे उनको हम समझा देंगे ठीक है ना यस सर तो इसलिए आप पूछिए प्रॉब्लम पूछिए जिसको लग रहा है कि नहीं ये एग्जाम्पल जरूरी है कौन बोला एवरी नोबडी अच्छा चलिए नोबडी एनीबडी नोज द फैक्ट पहले नो बडी वाला देख लेते हैं यस सर नोज द फैक्ट ठीक है देखिए नोज क्या हो गया बी फाइव हो गया बी फाइव में क्या आता है टू डज आता है ठीक है ना नो बडी के लिए क्या आएगा दे अच्छा ये नो बडी जो है नेगेटिव वर्ड है ये सेंटेंस नेगेटिव इधर पॉजिटिव करना पड़ेगा ना यस सर लेकिन दे के साथ डज तो लगता नहीं है दे के साथ क्या लगता है डू यहाँ पे क्या कर देंगे डू ठीक है हो गया सही Nobody knows the fact. Do they? फिर से समझिए देखो nobody है knows जो होता है ना बी फाइव जहाँ होता है वहां पे does लगाते हैं does लगाते हैं does यहाँ पे नहीं लगाए क्यों क्योंकि subject इसको क्या है subject agree नहीं कर रहा है किससे does से इसलिए subject do से agree करेगा क्योंकि they plural verb को लेता है और do क्या है plural verb है इसलिए they के साथ do आएगा ना कि does यहाँ देख के does वहां देख के does do कर देंगे ठीक है ना और बोलिए This dead plus human being. This boy is handsome and some. ठीक है ना क्या हो जाएगा बोले isn't this boy का क्या हो जाएगा him. हो गया बात खत्म और imperative sentence. Imperative sentence देखिए जैसे come here मूसा ले लेते हैं क्या bring a glass of water. Bring a glass of water. तो ये imperative sentence है ना मैंने क्या बोला था will you होता है इसका होगा will you या फिर want you ये exception में बुआ रहे इधर अगर positive रहेगा तो इधर का positive और negative दोनों होगा लेकिन negative में रहेगा don't bring a glass of water क्या हो जाएगा will you ठीक है ना एक चीज और समझिए will का प्रयोग क्यों हुआ एक बार और समझा देता हूँ will का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि बोला जब जाएगा उसका फ्यूचर में वो काम होगा और यू इसलिए क्योंकि हम लोग सामने वाले को बोलेंगे ठीक है ना सामने वाले को बोलेंगे मान लिया जाए जो दूर में रह रहा है उसको थोड़ी बोलेंगे कम हियर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं हो सकता नॉट पॉसिबल ठीक है ना इसीलिए सेकेंड पर्सन को बोला जाता है सामने वाले को इसलिए यहाँ पे हम लोग यू का प्रयोग करते हैं अविल का प्रयोग करते हैं कि बोलने के जस्ट बाद फ्यूचर में कम्प्लीट होगा इसलिए विल का प्रयोग होता है पढ़ाई के साथ शायद थोड़ी लगता है विल ही लगता है यू के साथ भी नहीं लगता इसलिए इसमें ओके और बोलिए पूरा समथिंग समथिंग चौथा समथिंग इज बेटर देन नथिंग क्या मतलब कुछ अगर कुछ भी नहीं है उससे अच्छा है कि कुछ हो ना तो देखिए ये क्या हो गया इज इजंट हो गया समथिंग थिंग वाले में क्या लगता है वो अरे इट लगता है हो गया सर समथिंग पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड नहीं है पॉजिटिव है नो लगा रहेगा तो जैसे नथिंग नोबडी और नो वन ये होता है नेगेटिव वर्ड मैं आपको नेगेटिव वर्ड के लिए वीडियो बनाऊंगा कल ठीक है ना समझ में आ जाएगा और बोलिए लेट अस जैसे लेट अस वॉक डब्ल्यू ए एल वॉक तो यहाँ पे हो जाएगा सेल और वी अब देखो वी क्यों आया अस का सब्जेक्टिव केस भी और वी के साथ फ्यूचर में क्या आता है सेल आता है इसलिए सेल्स में लगा ठीक है दिक्कत और प्रॉब्लम है नन का जैसे देखिए नन ऑफ अस इज एबल टू डू दिस वर्क दिक्कत नो सर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इज पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं ओके सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका बी होगा ना रे इधर देखो नेगेटिव वर्ड नन क्या है नेगेटिव वर्ड है
इसको पॉजिटिव लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज सेट नहीं होगा उसके साथ, इसलिए क्या लिख देंगे आर, ठीक है ना, आर ओ, ठीक है। पूछिए, एक मिनट, पहले उसको क्या देखिए, इज है ना, इज, हाँ यस सर, इज यहाँ पे नहीं लिखे, आर लिखे, क्यों, क्योंकि वी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आर, वी का सब्जेक्टिव, सॉरी अस का सब्जेक्टिव किस वी होता है, वी के साथ सारा आता है, इसलिए आर लगा है, इज वी के साथ इज देखा है कहियो, इसलिए नन नन नेगेटिव वर्ड है, मैं कल बताऊंगा नन नेगेटिव वर्ड है। और शिवम पूछो, एनी सम ऑफ देम, होता गया नन, एगो बता दिए, वैसे ही उसका भी होता है, ठीक है, थैंक यू।